नाउ आज हम देखेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है और हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा आज डेप्थ फर्स्ट सर्च की जितनी भी टेक्निक्स होती हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये एक ट्री बना रखा है। सो जो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, उसमें मेनली हमें क्या होता है कि हमें डेप्थ को एक्सप्लोर करना होता है। सबसे पहले एक BFS टेक्निक भी होती है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च BFS। उसमें हमें ब्रेड्थ को, मतलब हर एक लेवल को एक्सप्लोर करते जाना होता है। बट डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है, हमें हर डेप्थ को अच्छे से एक्सप्लोर करना होता है। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसी को मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो हमारे DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेक्निक होती है, वो होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। इन ऑर्डर, दूसरा प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। मेनली जो नाम की वजह से हमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि अगर आप हर एक टेक्निक का जो नाम है उसके हिसाब से अगर आप इसको समझ लें कि इस नाम का मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो आपको जो टेक्निक है वो बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकोगे। क्योंकि क्वेश्चन गेट एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स वगैरह में भी डेटा स्ट्रक्चर में अगर पूछा जाता है कि एक ट्री का स्ट्रक्चर देके पूछ लेते हैं कि इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर लिखो, या फिर आपको दो चीज़ें दे देंगे, तीसरी चीज़ें तीसरा पूछने को बोलेंगे। वो तो एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, बट फिलहाल के वीडियो में मैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि ये टेक्निक्स होती क्या हैं, इनको आपको समझना किस तरीके से। अगर नाम आपको इन ऑर्डर बोलते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, हमको इस टेक्निक से रिलेटेड पूछने की बात कह रहे हैं। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये नाम क्या सजेस्ट करता है? इन ऑर्डर और प्री और पोस्ट, ये हमें इंडिकेट करता है हमें डेटा के लिए, डेटा के लिए। इन ऑर्डर का मतलब है जो आपका डेटा है वो इन ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा जब आप ट्रेवर्स करोगे। अब कहने का मतलब ये, सपोज ये देखो, एक ट्री का जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर यहाँ पे डेटा होता है, यहाँ पे होता है आपका लेफ्ट चिल्ड्रन और यहाँ पे होता है राइट चिल्ड्रन। इसका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है? पहले लेफ्ट चिल्ड्रन आता है, फिर डेटा है, फिर राइट चिल्ड्रन है। ट्री के अंदर इसको बोलते हैं एग्जैक्ट ऑर्डर, मतलब इन ऑर्डर इसको बोलते हैं एग्जैक्टली, कि ये एक फिक्स, ये ही एक गिवन ऑर्डर है ट्री का, उसको रीड करने का। पहले लेफ्ट चाइल्ड को रीड करना, फिर डेटा को, फिर राइट को। इस तरीके से इसको हम इन ऑर्डर बोलते हैं। ये एक, जब भी हम बात कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक की, तो हमारा कहने का मतलब है कि हम ट्री को रीड करें इन नेचुरल ऑर्डर, जो हमारा नेचुरल ऑर्डर ऑफ ट्रेवर्स है वो उसमें करें। तो डेटा के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो डेटा हमारा हमेशा नेचुरल ऑर्डर में कहाँ आता है? सेकंड नंबर पे आता है। तो पहले लेफ्ट चाइल्ड आता है, फिर डेटा आता है, फिर राइट चाइल्ड आता है। तो ये हमारा इन ऑर्डर टेक्निक कहलाती है। नाउ प्री ऑर्डर पे आ जाओ। अब प्री ऑर्डर, मैंने आपको बताया कि ये टेक्निक्स के नाम हैं वो हैं डेटा की ट्रेवर्सिंग के रिस्पेक्ट में, कि हम डेटा को कब रीड करेंगे। तो जो जो भी ये तीनों नाम हैं, ये सीधा ये बोलते हैं कि इन ऑर्डर रीड द डेटा इन ऑर्डर, रीड द डेटा इन प्री ऑर्डर, रीड द डेटा इन पोस्ट ऑर्डर। तो प्री ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले डेटा को रीड कर लो। तो पहले डेटा को रीड कर लिया तो फिर उसके बाद लेफ्ट राइट बसते हैं ऑर्डर में। नाउ पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? डेटा को बाद में रीड करना है, पहले नॉर्मली यूजुअली आपको ट्री को रीड करना है और फिर डेटा को एंड में रीड करना है। तो सिंपल से आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट राइट एंड देन डेटा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब भी आपसे
डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात हो तो आपके माइंड में तीन टेक्निक्स आनी चाहिए, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? यह है डेटा को बता रहे हैं कि डेटा को किस तरीके से रीड करना है। तो इन ऑर्डर डेटा को रीड करना है तो मतलब लेफ्ट डेटा रीड, प्री ऑर्डर मतलब पहले डेटा को रीड करना है, तो पहले डी लिख दो डेटा, देन नॉर्मल ट्री लिख दो लेफ्ट राइट। और अगर पोस्ट ऑर्डर आ जाए तो उसमें, तो उसमें भी डेटा को बिल्कुल आखिरी में फेंक दो, पोस्ट ऑर्डर मतलब पीछे बिल्कुल, पहले लेफ्ट राइट एंड देन डेटा। तो ये है आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। नाउ अब आपको ये समझ में आने के बाद अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो बिल्कुल मतलब चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है उसके अंदर। सो इस वाले ट्री पे ही इन तीनों टेक्निक्स को लगा लेते हैं बहुत आसानी से, लेफ्ट डेटा एंड देन राइट। सो इसके लेफ्ट को कॉल करो। अब यहाँ देखो इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, फिर इसके लेफ्ट को कॉल करो। ये देखो कि लेफ्ट इसका एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप डेटा पे आ जाओ। क्या था ऑर्डर? लेफ्ट डेटा और राइट। सो इस ऑर्डर में हर, जैसे ही आप नोड पे पहुंचते हो ना तो इस ऑर्डर को नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आए, लेफ्ट को कॉल किया, ठीक है। अब इस नोड का दोबारा, इस नोड का एक LDR होगा, लेफ्ट डेटा और, तो इसका लेफ्ट है, कॉल कर दिया। नाउ इसका दोबारा 4 का LDR है, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, हटा दो डेटा। हाँ अब डेटा को प्रिंट कर दो, लो डेटा प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसका राइट नहीं एग्जिस्ट करता, हटाओ। अब बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक, ये तो कंप्लीट हो चुका था, अब इसका डेटा प्रिंट कर दो, इसका डेटा प्रिंट कर दो, ये लो इसका डेटा गया। इसके राइट में जाओ, इसके राइट में क्या है? 5 का LDR देखो, ना तो लेफ्ट है ना ही राइट है, तो लेफ्ट नहीं है तो तुरंत डेटा प्रिंट हो जाएगा, राइट तो है ही नहीं, दोबारा यहाँ चला गया। तो इसका राइट भी एग्जीक्यूट हो चुका, ये भी ख़त्म हो गया इसका। अब यहाँ पे आ जाओ इस पे, तो हमारा इसका लेफ्ट तो कंप्लीट हो चुका है, अब इसका डेटा प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट हो गया। अब इसके राइट को कॉल करो, ठीक है। राइट को कॉल करने के बाद ये आएगा 3 पे, 3 का भी LDR होगा, 3 के L को कॉल करा तो यहाँ आ गए, इसका भी LDR है, लेफ्ट डेटा है, तो इसका जो लेफ्ट है कॉल करो इसके LDR को, L है ही नहीं इसका, डेटा है 6 प्रिंट कर दो, डेटा हट गया। इसका राइट, राइट है नहीं एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके राइट को, इसका राइट भी एग्जीक्यूट हो गया। अब जाओ इधर बैक, तो इसका लेफ्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, अब आया नंबर डेटा का, डेटा प्रिंट करा दो, ये भी हो गया। अब इसके बाद यही राइट की, राइट को कॉल करो, राइट को कॉल करने के बाद यहाँ आ गए, इसका LDR है, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, डेटा प्रिंट कराओ, ठीक है। और इसका ये है राइट, आपका राइट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट पूरा हो गया। दोबारा बैक जाएगा, इसको कॉल करके इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, ये भी हो गया। सो बेसिकली फिर ये वापस जाएगा इधर, तो ये भी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। सो ये आपका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिजल्ट है। सो ये काफ़ी गुड़गोबर हो गया, इसको मिटा देता हूँ। नाउ प्री ऑर्डर टेक्निक की बात करेंगे। इन ऑर्डर तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ प्री ऑर्डर में आपको पता है डेटा को पहले ही प्रिंट कराना होता है, देन आप लेफ्ट राइट के बारे में सोचोगे। तो आप जिस भी नोड पे आओ सबसे पहले उसका डेटा प्रिंट करा दो। तो आप शुरुआत करते हो हमेशा यहाँ से, तो 1 से शुरुआत करी तो 1 का डेटा प्रिंट करा दिया आपने, ईजी है। फिर बारी आती है DLR। अब इसका लेफ्ट को कॉल करो, लेफ्ट को कॉल कर दिया तो यहाँ आ गए। जैसे ही लेफ्ट को कॉल किया इसका DLR, इसका डेटा प्रिंट करो, डेटा प्रिंट करा दिया। फिर इसके लेफ्ट को कॉल करो, फिर यहाँ आ गए 4 पे, इसका DLR, इसका डेटा प्रिंट कराओ। जैसे ही 4 के पास आए आप, फिर इसका लेफ्ट है ही नहीं, राइट नहीं है, तो बैक चले गए। बैक गए तो ये लेफ्ट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब इसका राइट पेंडिंग है तो राइट को कॉल करो। राइट को कॉल करने के बाद क्या आएगा? DLR। तो सबसे पहले डेटा, डेटा को प्रिंट कराओ, देन लेफ्ट राइट है ही नहीं इसका लेफ्ट राइट, तो हटा दो। बैक जाओ, बैक जाओ, इसका राइट भी कंप्लीट हो गया,
ठीक है, इसका राइट भी कंप्लीट हो गया, तो ये जाएगा अपना ऊपर। ऊपर जाने के बाद ये लेफ्ट का, लेफ्ट के थ्रू कॉल हुआ था ना, तो इसका लेफ्ट भी कंप्लीट हो गया। डेटा तो हम पहले प्रिंट करा ही चुके हैं, अब बारी आई वन के राइट के, तो वन के राइट को हमने कॉल किया। वन के राइट को कॉल किया तो इसका DLR डेटा प्रिंट कराओ, 3 आ गया। फिर इसके लेफ्ट को कॉल करो, आ गए हम लेफ्ट में, इसका भी DLR डेटा प्रिंट कराओ, 6 आ गया यहाँ पे। इसका लेफ्ट राइट है ही नहीं तो ये बैक गया, तो इसका लेफ्ट भी कंप्लीट हो चुका एग्जीक्यूशन में। अब इसका राइट कॉल कर दो, ये रहा इसका राइट, राइट का DLR डेटा क्या है 7, ये लो 7 कर दिया। इसका LR है ही नहीं तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट होके वापस इसका एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पे आ गए हम, इसका राइट कंप्लीट हो गया। इसके कंप्लीट होने की वजह से ये इसका राइट कंप्लीट हो गया, तो ये भी पूरा हो गया। तो हमारा ये था आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। नाउ अब हम इसी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को आपको लिखने के लिए दो टेक्निक है। जो आपका पोस्ट ऑर्डर होता है ना, वो होता है कि आपका फंक्शन कंप्लीटिंग सीक्वेंस को, कि ये सपोज करो कि ये सब फंक्शंस हैं, कि वन कोई फंक्शन था, उसने टू को कॉल किया था और थ्री को भी कॉल किया था, टू ने फोर को किया, फोर फाइव को भी किया, तो आप वन को फंक्शन कॉल समझो, ठीक है, सब हर एक नोड से आप फंक्शन कॉल समझो। तो एक्चुअली में जो ये प्री ऑर्डर जो पोस्ट ऑर्डर होते हैं ना, एक तो होता है फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस होता है और एक होता है फंक्शन कंप्लीटिंग सीक्वेंस। तो आप सिंपल सी बात, अगर प्री ऑर्डर आपको एक ही झटके में लिख देना है, एक ही झटके में लिख देना, तो कैसे लिखोगे, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस क्या है। यहाँ से देखो, वन ने टू को कॉल किया, टू ने फोर को कॉल किया, ठीक है, उसके बाद वापस गए, फिर फाइव को कॉल किया। देखो वन ने, वन के बाद टू आया, फोर आया, फिर फोर के बाद टू फाइव को भी कॉल करा, देखो फाइव आ गया। फिर यहाँ से जब ये वाली इसकी ब्रांच कंप्लीट हो गई, तो फिर ये कहाँ किसको कॉल करेगा, फिर थ्री को कॉल करेगा, देखो थ्री आ गया। थ्री किसको कॉल करेगा, सिक्स को, सिक्स आ गया। फिर सिक्स के कंप्लीट होने के बाद थ्री किसको कॉल करेगा, सेवन को। तो ये एक फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस होता है, तो आपको एक झटके में ही लिखना है ना आंसर। तो इसको बस एक फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस समझ लेना कि भाई कौन किसको कॉल कर रहा है, धड़ाके से उसको लिखते चले गए। ऐसे ही जो पोस्ट ऑर्डर होता है ना, पोस्ट ऑर्डर होता है फंक्शन कंप्लीटिंग सीक्वेंस, कि कौन सा फंक्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, वन है, वन ने टू को कॉल किया, टू ने फोर को कॉल किया, फोर, फोर का ना तो लेफ्ट बच्चा था ना ही राइट वाला कोई भी बच्चा है, तो इसने तो किसी को कॉल नहीं किया, तो ये तो कंप्लीट हो गया तुरंत। जैसे टू ने फोर को कॉल किया, फोर का कोई ना लेफ्ट था ना लाइट राइट था, तो ये तुरंत कंप्लीट हो गया, तो इसको लिख दिया आपने। फिर फोर के बाद टू फाइव को कॉल करेगा, ना इसका लेफ्ट है ना राइट है, तो ये कंप्लीट, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। तो इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद टू भी कंप्लीट हो जाएगा अपना, क्योंकि टू डिपेंडेंट था, फोर, टू ने फोर को कॉल किया था फिर फाइव को किया था, तो ये दोनों कंप्लीट होने के बाद टू की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फोर फाइव के बाद सीधे टू लिख दिया आपने। नाउ इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, इसको तो बट एक और चाइल्ड रह रहा है जिसको इसको कॉल करना है, तो इसने थ्री को कॉल कर दिया, थ्री ने सिक्स को कर दिया, और सिक्स ने कोई है ही नहीं, तो सिक्स कंप्लीट हो गया। फिर ये वापस गया, थ्री का एक और बच्चा था, उसने सात को कॉल किया, सात का कोई ना इधर है ना उधर है, तो फिर इस ये कंप्लीट हो गया। इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद तीन भी कंप्लीट हो गया, और तीन जैसे ही कंप्लीट हुआ तो एक कंप्लीट हो गया। अब समझ में आया, अगर आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर एक ही झटके में लिखना है, तो प्री ऑर्डर का मतलब है आपका फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस, पोस्ट ऑर्डर का मतलब है फंक्शन कंप्लीशन सीक्वेंस। सो ये छोटी सी बात ध्यान रखना, तो आप मतलब बिल्कुल बिजली की स्पीड से लिख दोगे इसको, तो ये काफ़ी, इस चीज़ को अगर आप समझ जाओ तो काफ़ी आसान है। सो अदरवाइज नहीं तो पोस्ट ऑर्डर में भी यही टेक्निक अप्लाई कर देना, LRD करके, कि लेफ्ट को कॉल करेगा, ठीक है लेफ्ट हो गया LRD, फिर इसने अपने लेफ्ट को कॉल कर दिया, यहाँ पे भी LRD, इसने लेफ्ट को कॉल किया है ही नहीं, राइट को किया वो भी नहीं है, फिर डेटा को प्रिंट कराया ऐसे। तो इस तरीके से आप इसको करोगे तो भी आप इसको
सॉल्व कर सकते हो, और अदरवाइज आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो वो मैंने आपको बता ही दिए, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये है फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस और ये है फंक्शन कंप्लीटिंग सीक्वेंस। तो बहुत ही आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर नहीं आया हो, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फर्दर। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।